रॉयल इनफील्ड की बुलेट, इसका 360 डिग्री व्यू देख लीजिए। राइट साइड से ये जो बाइक है कुछ इस तरह से दिखती है, काफ़ी दमदार बाइक है, एक शानदार सवारी होती है ये। और यहाँ पर पीछे का लुक देखेंगे कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है। टेल लाइट आपको मिलने वाला है विंटेज लुक में, कुछ इस तरह से जो दिखेगा। बुलेट काफ़ी पॉपुलर बाइक थी भी और अभी भी है, काफ़ी लोगों को पसंद आती है बुलेट। और इसका मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। इसका ऑन रोड प्राइस जो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग 206,000, 233,000 और 254,000, यानी 254,000 पड़ने वाला है। इसका जो पर्टिकुलर इस मॉडल का जो प्राइस है ये पड़ने वाला है 233,000 रुपीज़। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 13 लीटर का रखा गया है, माइलेज आपको 35 का मिलेगा। और यहाँ पर आप E20 का स्टिकर भी देख सकते हैं, इसका मतलब कि ये 23 वाला मॉडल है। तो एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ में मैं अभी आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना दूँ। इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है कुछ इस तरह से आपको सुनाई देने वाला है। ये देखिए इसका एग्जॉस्ट साउंड, और मैं यदि इसको थ्रोटल करूं, इसकी आवाज़ ही इसकी पहचान है। देखिए कुछ ऐसा साउंड आपको सुनने के लिए मिलेगा। इसके साउंड के बाद आ जाते हैं हम इसके फीचर डिटेल को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, इसमें क्या कुछ मिल रहा है 233,000 में आपको। तो यहाँ पर फ्रंट से शुरू करते हैं। तो इसका जो फ्रंट, जो यहाँ पर इसका हेडलैम्प है, आप देखिए हैलोजन बल्ब के साथ में आ रहा है। राउंडेड इसका लुक रखा गया है, राउंडेड शेप में आ रहा है। और एक पेरीफेरी जो है ये आने वाली है क्रोम फिनिश से, तो कुछ इस तरह से। और पीछे जो इंटरनल आप देखेंगे तो ये जो हैलोजन लाइट का है उसको भी एक कवरिंग दिया गया है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो कुछ ऐसा यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और डुअल पायलट लाइट जो कि बल्ब के साथ में आ रहा है, जो कि कुछ इस तरह से दिखने वाला है। यहाँ पर इसका पायलट DRL लाइट, और यहाँ पर इसका जो साइड इंडिकेटर है उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि साइड इंडिकेटर कैसे काम करने वाला है। तो साइड इंडिकेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, धूप काफ़ी अच्छी है, तो धूप के बाद भी आपका जो लुक है इस लाइट का कुछ इस तरह से आने वाला है। इसके साइड इंडिकेटर के बाद हम इसके सस्पेंशन को देखते हैं। तो इसमें मिलने वाला है आपको USD फॉक्स सस्पेंशन। यहाँ पर सस्पेंशन को देखिए कुछ इस तरह से, मरून कलर में ये बाइक है। और यहाँ पर सस्पेंशन का जो लोअर पोर्शन है ये आ रहा है एल्युमिनियम फिनिश में, और इस पर ही कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर दे दिया गया है जो कि आपके कॉर्नरिंग प्रेजेंस को शो करने वाला है। और इसके साथ साथ इसका जो मडगार्ड है ये मिलने वाला है फुल लेंथ का, और मेटेलिक मडगार्ड है। रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों की खासियत यही है कि इसमें आपको सारी चीज़ें लगभग मेटेलिक ही मिलती हैं, फाइबर वगैरह का जो यूज है बहुत कम हो जाता है इसमें। और यहाँ पर हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम को देखते हैं, तो आगे और पीछे दोनों में डुअल चैनल ABS मिलने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है, बीबर का ब्रेक कैलिपर इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक जो है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और इसके व्हील के रेडियस की बात करें तो फ्रंट व्हील का जो रेडियस है यहाँ पर आप देखें 19 इंच है, और टायर का साइज 100/90 है। स्पोक्स के साथ में इसका व्हील आने वाला है, तो इसमें आपको ट्यूब टायर मिलने वाला है। तो ये सब कुछ है इसके फ्रंट टायर के बारे में। और रियर टायर को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डिटेल इसका। तो रियर टायर जो है ये वाइड हो जा रहा है, C8 का टायर है। और रियर टायर का जो साइज़ है उसकी बात करें तो 120/80 का है। और रियर टायर का जो रेडियस है ये मिलने वाला है आपको 18 इंच का, तो एक इंच कम हो जा रहा है। और यहाँ पर इसके रियर ब्रेक को देख लीजिए तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, बीबर के ब्रेक कैलिपर के साथ में, और डुअल चैनल ABS। तो पीछे का ब्रेक कुछ इस तरह से होने वाला है, और रियर में आपको मिलने वाला है ट्विन शॉक एब्जर्वर जो कि स्टील फिनिश से दिया गया है, कुछ ऐसा इसका लुक बनने वाला है। अब आ जाते हैं हम फिर से फ्रंट में, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेफ्टी फीचर्स को लेकर। तो एक कंपनी फिटेड आपको मिलने वाला है लेग गार्ड, एक्चुअली ये एक्सेसरीज में होता है, आप चाहे तो लगवा सकते हैं या चाहे फिर नहीं भी लगवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा। लेकिन रॉयल इनफील्ड का यहाँ पर तो कुछ काफ़ी स्ट्रांग होता है, यहाँ पर आप ट्रिपल लेयर देख सकते हैं जिसकी वजह से इसकी जो मजबूती है काफ़ी अच्छी होती है। ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम फिनिश ये दिया है, मेटेलिक है ये, आपको ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। आसान होने का सेंस मतलब ये कि इंजन को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचेगा, इंजन जो है वो सेफ रहेगा। और इसका जो हॉर्न है यहाँ पर दिया गया है सेंटर में। साइलेंसर काफ़ी लंबा है, रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों का जो आवाज़ है वो यही तो पहचान होती है इसकी। साइलेंसर देखिए कुछ इस तरह से दिखने वाला है। इंजन आपको मिलने वाला है 350cc का, इसमें जो क्लासिक है रॉयल इनफील्ड में उसका ही इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही इसके फीचर्स हैं, कुछ इस तरह से इसका इंजन दिखने वाला है। यहाँ पर
ट्रिपल टोन कलर कह सकते हैं, ग्रे एल्युमिनियम फिनिश और यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर से कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और फ्यूल टैंक का लुक एक बार फिर से देख लीजिए और फ्यूल लीड का जो शेप है ये दिया गया है, स्टील फिनिश से बना है और शेप कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है सेमी सर्कुलर। और सेंट्रल लुक को कुछ ऐसे ये कवर दिया गया है और यहाँ पर सामान रखने के लिए थोड़ा सा आपको जगह मिल जाता है। बुलेट 350 का ब्रांडिंग है जो कि 3D में रखा गया है, काफ़ी रॉयल टच के साथ में इसको दिया गया है और ये कई सारे कलर में अवेलेबल हो जाती है। ये मिलिट्री कलर में भी अवेलेबल हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको ब्लैक और मैट ब्लैक कलर में भी मिल जाती है। और इसके सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इसका जो सीट है सिंगल 2 लेवल है, स्लाइटली लेवल में चेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं और एंटी स्लिप का डिज़ाइन है, मतलब राइडर और पिलियन राइडर दोनों अपने अपने जोन में कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, स्लिप नहीं होंगे यदि सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो भी। और यहाँ पर इसका फिनिश देखेंगे तो थोड़ा सा डॉटेड फिनिश आ रहा है, टॉप जो है वो काफ़ी स्मूथ रखा गया है। और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है फैसिलिटी बैक रेस्ट का। बैक रेस्ट जब होता है तो थोड़ा सा एजेड लोगों के लिए भी अच्छा होता है, फैमिली वगैरह के साथ जा रहे हैं तो उसमें भी प्रोटेक्शन हो जाता है, तो ये ग्रैब रेल का भी काम करने वाला है और बैक रेस्ट का भी काम करेगा, तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर हो जाता है, कुशन के साथ में आ रहा है। और इसके टेल लाइट को तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो टेल लाइट जो है कुछ इस तरह से बल्ब के साथ में दिखने वाला है, साइड इंडिकेटर। और लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर इसका जो सारी गार्ड है ये लेडीज़ फुटरेस्ट के साथ में आ रहा है, तो कुछ अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेडीज़ कंफर्टेबली इस पर अपना पैर रख सकते हैं। और यहाँ पर जो राइडर और पिलियन राइडर का जो फुटरेस्ट है वो कुशन के साथ में आ रहा है, तो कुशन के साथ में आने की वजह से क्या होता है, एक एडवांटेज ये हो जाता है कि जो इसका वाइब्रेशन है इंजन का, आप चल रहे हैं जो भी वाइब्रेशन जनरेट होता है उसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उससे आपका थकान नहीं होगा, वो यहाँ से कुशन से ट्रांसफ़र होता रहता है। और इस साइड में भी आपको थोड़ा सा सामान रखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर ग्लव स्पेस। इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी दिया हुआ है, तो जिसके वजह से आपका सेफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और गियर शिफ्ट जो पैडल है कुछ इस तरह से मिलने वाला है, कुछ इस तरह से रखा गया है। और यहाँ पर एक ग्रैब हुक भी दिया है, तो फैमिली के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये भी पकड़ने के लिए अच्छा काम कर जाता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखिए तो कुछ इस तरह से इसका फाइनल लुक बनने वाला है। और इसके मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल जो है ये आने वाला है सेमी डिजिटल। यहाँ पर आपको स्पीड जो है ये मिलने वाला है एनालॉग में, और बाकी जो सारे इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिजिटल में। और फ्यूल का देख सकते हैं, ट्रिप का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से करनी है डिजिटल में। और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग कुछ इस तरह से देखिए। और कंट्रोल स्विचेस की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको ये 4 कंट्रोल स्विचेस मिल जाता है, पासिंग लाइट अपर एंड डिपर के लिए, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से इस स्विच का इस्तेमाल करके आप यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए इसमें ओडोमीटर का, ट्रिप का, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। और राइट साइड में आपको ये 2 स्विच मिल जाता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और पार्किंग लाइट का यहाँ पर, और इसको स्टार्ट करने के लिए ए। और इसका जो रियर व्यू मिरर है ये मिलने वाला है राउंडेड शेप में, स्टील फिनिश रखा गया है, और यहाँ पर इसका जो बार है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ओवरऑल जो ये बाइक है कुछ ऐसी ये बनने वाली है। तो ये सारा डिटेल है इस बाइक के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।